यूपी के अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख को लेकर सियासी संग्राम देखने को मिला है। विपक्षी दलों की ओर से आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम है जिसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखकर तय की गई है ताकि उसका चुनावी लाभ उठाया जा सके। हालांकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर साफ किया है कि मंदिर के कार्यक्रम की डेट इलेक्शन को देखकर नहीं निकाली गई, बल्कि उसे शास्त्रों के हिसाब से तय किया गया है। यह पूछे जाने पर कि क्या हिंदू पंचांग के बजाय लोकसभा चुनाव 2024 का काउंटडाउन देखकर राम मंदिर के उद्घाटन समारोह की तारीख तय की गई है, यूपी के सीएम ने इस सवाल पर एक हिंदी चैनल को बताया कि देखिए, हिंदू धर्म या फिर सनातन परंपरा में मकर संक्रांति के बाद सूर्य नारायण के उत्तरायण में आने के बाद कार्यक्रमों के शुभ मुहूर्त आते हैं और उसी को मानकर शास्त्रों की पद्धति से ये कार्यक्रम प्लान किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने इंटरव्यू के दौरान आगे कांग्रेस का जिक्र किया और बताया तो कांग्रेस के पास तो अवसर था, याद करिए जब सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना का कार्यक्रम हुआ था कांग्रेस ने तब उस योजना का विरोध किया था। प्रोग्राम में तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तो नहीं गए मगर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी उन्होंने जाने से रोकने का प्रयास किया था। डॉक्टर प्रसाद गए थे लेकिन नेहरू ने प्रयास तो किया था, खुद नहीं गए मगर उन्हें भी रोकने की कोशिश की थी। योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले मंगलवार को कहा था कि नई अयोध्या में अब कभी कर्फ्यू नहीं लगेगा बल्कि राम नाम का जाप होगा, अब यहाँ कभी गोली नहीं चलेगी बल्कि राम भक्तों को लड्डू के गोले मिलेंगे। यूपी सीएम ने साल 1990 में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार की ओर से कार सेवकों को गोली चलाने के आदेश के संबंध में ये बात कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब अयोध्या में कोई पंचकोशी, 14 कोसी, 84 कोसी परिक्रमा रोकने का साहस नहीं करेगा।